आज थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुई है, सो सॉरी. वी आर स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स. तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो कैसे लिखा जाता है? टाउ इज इक्वल्स टू टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जेड प्लस टाउ जेड की. ऐसी आर वेक्टर को लिख लो, ऐसे ये वेक्टर को लिख लो. हंसो मत यार, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक लगा दो. टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ लिख दो ऐसे. कल शाम को वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे ना, वही किया है. ठीक, कंसीडर कहां तक पहुंच गए थे? कॉम्पोनेंट्स ऑफ टॉर्क, ठीक है, फुल स्टॉप. तो ये लिख लो, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू, ये कौन ज्वाइन हुआ अभी रिसेंटली? वो परसेंटेज से पता पड़ जाएगा, बता दो कौन ज्वाइन हुआ अभी. ओके, टाउ इज इक्वल्स टू टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड. सिंस, इसके बाद इतना, सिंस टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये लिखा. नहीं, पहले की बात तो मैं तीनों लिख लिए, तो कोई बात नहीं, तीनों के बाद भी वो लिख लो या पहले के बाद लिख के बाकी वो लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं. फिर ऐसे सजा के जैसे लिखते ना अपन, माइनस जे 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 हटाओ तो एक्स और एफ एक्स, और क्या बचा? जेड और एफ जेड प्लस के, क्या क्या, एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई. लिख लो इतना तो लिख ही लो. आज एंगुलर मोमेंटम और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कल से मोमेंट ऑफ फोर्स पे जम कर जाएंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ के चल बे. ये मन से लिखना चाहिए, साइड हो जा साइड हो जा. ऑनलाइन पीपल, अगर हो जाए तो इन्फॉर्म. डन सर. डन, ओके. रेशु नहीं आई क्या? नो सर. ओके, वही मैं सोचू, एक आवाज कम आ रही है. डन, तुम लोग का हो गया तो सॉल्व करो आगे, फिर सर क्या करें उसमें, लिख लो ऐसे y
एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप माइनस एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स के कैप सॉरी के नहीं जे कैप प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स ब्रैकेट में और फिर ठीक है क्लास में कोई भी ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि ये स्टेप कैसे है आई विल एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट देख चलो लिख बाद में लेना समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान करो क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लिख लिए उसके नीचे उनके कॉम्पोनेंट्स लिख लिए एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड फिर क्या किया आई के सामने वाले छुपा लिए और इनका कर दिया क्रॉस तो आई के साथ क्या आ गए वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई फिर दूसरा टर्म आता है माइनस में तो लगाया माइनस अब तुमने किसको छुपा लिया जे को तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स जे अब तुमने किसको छुपा लिया जे को तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स ठीक है प्लस हाँ वही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे यहां पे प्लस लगा के इसको उल्टा कर पहले लेकिन इसलिए नहीं करना फिर अपना टर्म बिगड़ जाएगा ना फिर तुम्हें ऐसा जो अपन ये राइट से ऐसा लेफ्ट कर रहे ना फिर उसको लेफ्ट से राइट करना भूल जाओगे इसीलिए ये आ गए ठीक है एक काम करो पहले टर्म को ज्यो का तो लिख दो आई कैप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ठीक सो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस चला गया अंदर सो पहला स्टेप बन गया माइनस का दूसरा स्टेप बन गया प्लस का सो ये उल्टा हो जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड फिर ये जो होगा प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स जे कैप यहां पे आएगा जे कैप यहां पे आएगा के कैप और ये किसके इक्वल है टाउ के टाउ क्या होता है टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड आई वाले को आई वाले से इक्वेट कर दो तो टाउ का एक्स कंपोनेंट निकल आएगा जे वाले को जे वाले से इक्वेट कर दो तो टाउ का वाई कंपोनेंट निकल आएगा और के वाले को के वाले से इक्वेट कर दो तो टाउ का जेड कंपोनेंट निकल आएगा आ जाएगा कि नहीं कंपेयरिंग टाउ एक्स हो जाएगा वाई एफ माइनस जेड एफ टाउ वाई हो जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड और टाउ जेड हो जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स
डन सो बढ़िया ओके नोट NOTE नोट The dimensions of torque, and work are same, but both are different physical quantities, but both are different physical quantities. Full stop. The physical meaning of both the quantities are different. Is different. Full stop. Also, torque is a vector quantity, but work is a scalar. हो गया. चलो खुद चलते हैं एंगुलर मोमेंटम पे बिना किसी देरी के. एक होमवर्क लिखिए, बहुत अच्छा होमवर्क है, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा. टॉर्क होमवर्क. कोचिंग में बहुत नया से है ये वर्ड होमवर्क. ठीक है. टॉर्क ऑन अ डोर अबाउट द एक्सेस. टॉर्क ऑन अ डोर अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन due to the weight of the door is zero. Why? ठीक है. सोचिएगा कि डोर के वेट के कारण टॉर्क जीरो क्यों होता है. वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एमजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया मैंने भी, तो कहां से यूज होगा कॉन्सेप्ट. जब पढ़ाया नहीं तो होमवर्क में क्यों दूंगा. बिना उसके हो जाएगा सर, कोशिश करना. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहे हैं. एक्स कहां रहेगा.
तो तुम जेडू घुमा दो, जेडू पर ले ले, एक्स ले आओ। सुनो हम तुम्हें बताए, देखो वही हम कह रहे थे, हम शाम को बताते पूछी एक्स वाई, अभी तक यही दो प्लेन पढ़ रहे थे, आ गया जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कभी चेंज नहीं होते, ऑलवेज नहीं होते, ये घूम सकते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो वाई यहां आ जाए, एक्स से आ जाए, नॉट पॉसिबल। पूरे वेक्टर्स में, पूरे कार्टेशियन सिस्टम में आप सेम लगाओगे, ये आपने घुमाया, अगर जेड आपका ऊपर गया तो यहां क्या आएगा, और एक्स कहां चला जाएगा, यहां। दे कैन ओनली रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बट दे कैन नॉट बी चेंज। तो अगर आपका जेड ऊपर गया तो यहां क्या आएगा, ये तथ्य है, इसको याद रखिए, ये कभी भी चेंज नहीं, ये मैं बताने वाला था, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर कहीं गलती से मैंने यहां जेड लिख के यहां एक्स लिख दिया हो तो उसको बाय कर लें, वैसे नहीं लिखा होगा, आप देख लो अगर किसी डेरिवेशन में आपको मिल जाए तो उसको चेंज कर लें, नहीं होगा देखो है, आप उसको चेंज कर लें। चलो एंगुलर मोमेंटम को और समझ लो अच्छे से, तो तुम्हारे आई जो आई जी के कभी चेंज होंगे नहीं, वो सेम ही रहेंगे। एंगुलर मोमेंटम सिंपल है, अब तो सीधे अपन को कॉपी करते चलने, तो और किस द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग क्या है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपका टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो एंगुलर मोमेंटम जिसको आप किससे रिनोट करते हो, एल, ये हो जाएगा आर क्रॉस। द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, क्या है एंगुलर मोमेंटम। अरे ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मैंने अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोला ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोल भी कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, अगेन थीटा, अगेन थीटा, समझ रहे। तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर पी साइन। तो ये जो आर क्रॉस पी लिखा है ना, इसको बोलते ऐसे ही है कि द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, या तो ऐसे बोल लो द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब लीनियर मोमेंटम कहां से आया पार्टिकल का, समझो अगर कोई पार्टिकल एक यहां पे है और उसको आप फोर्स लगा रहे हो और वो एक पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मास इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी मास का पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो अगर कोई पार्टिकल है यहां पे जिसका कुछ ना कुछ मास है, तो अगर आप उसमें फोर्स लगाओगे तो वो वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव। तो अगर उसकी वेलोसिटी है, उसके पास मास है, तो उसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। However, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा, सर्कुलर या फिर कह लो रोटेशन। तो ऑल टूगेदर बॉडी का क्या निकालेगा, एंगुलर मोमेंटम निकालेगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये लीनियर मोमेंटम, और इस लीनियर मोमेंटम का डिस्टेंस कहां से, सेंटर, या कह लो एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो जैसे कि टॉर्क होता है द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ
डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड द लिनियर मोमेंट. तो योर एल वुड बी आर क्रॉस पी, आर पी साइन. ठीक, एक और फॉर्मूला निकल सकता है, पी को क्या लिख सकते हैं, एम बी वेक्टर. तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस बी और एम आपका. ठीक, ऐसे लिखते हैं इसको, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो एम बी, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है सो एम बी. ठीक है, सो आर क्रॉस बी इज द एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट. जैसा जैसा टॉर्क में किया है सेम टू कॉपी हम एंगुलर मोमेंटम में करते. अगर इसको आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में निकालोगे तो क्या करोगे, एल के कंपोनेंट्स हो जाएंगे एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, आर के कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और पी के कंपोनेंट हो जाएंगे पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के. सो आर और पी के फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स निकल आएंगे, आ जाएंगे कि बिल्कुल आ जाएंगे. ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हाँ, हाँ नहीं, लेकिन अपन फोर्स किस कहां पे लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के डिस्टेंस, इसलिए आर वेक्टर लेते, इसलिए पोजीशन वेक्टर लेते. आप थीटा से नहीं कर सकते, आपको पोजीशन वेक्टर से करना पड़ेगा. अक्रॉस तो थीटा के हो रही है, लेकिन अब तुम हमें ये बताओ इन सब के डायरेक्शंस कहां निकल के आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हर जगह अपन कहां से डिस्टेंस मानेंगे, एक्सिस ऑफ, यही कॉन्सेप्ट से रोटेशनल. आपको हर जगह क्या कंसीडर करना है, पोजीशन वेक्टर. आप पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स का, सो आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो किसका, लीनियर मोमेंटम, सो क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल. इसलिए आसान, बिकॉज इन सबके डायरेक्शन कहां निकलते होंगे, तो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो उससे आपको क्या लेना है, डिस्टेंस. सो दिस इज द केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट, फॉर्मूला, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स. और कुछ बचा एंगुलर मोमेंटम, किसी को भी कोई दिक्कत तो पूछ, कोई डाउट, क्या रोटेशनल मोशन में ग्रेविटेशन का अफेक्ट, या तो वो एज ए कंसीडर फॉर्मूला कर लेते हैं या फिर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है ना, आपने यहां पे जो फोर्स कंसीडर किया है ये F, ये कौन सा है, एक्सटर्नल. हाँ, अभी तुम जो तुम्हें क्वेश्चन दिया ना एमजी वाला, उसमें तुम्हें ग्रेविटेशन का अफेक्ट समझ में आएगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा, तुम्हें उसमें समझ में आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. इसमें कोई दिक्कत, देखे एंगुलर मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल
फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन. It is denoted by L vector. L के ऊपर vector. Consider line change. Sorry, पहले figure, right hand side. बना लिया सबने बना लिया. कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ moving with a velocity v vector. Moving with a velocity v vector. Full stop. Nahin, in a circular path. In XY plane, full stop. Line change. The angular momentum is given by लिख लो L vector is equals to R vector cross P vector. Where line change? Where P vector is equals to MV vector. ये लिखा. P vector is equals to MV vector. The linear momentum of the particle, comma लगा के, comma, the linear momentum of the particle. Full stop. Line change, magnitude is given by लिख लो आर पी साइन थीटा. एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा. आज यश वैद्य नहीं आया ना. आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड लिख लिया. ठीक है, अब डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे. द डायरेक्शन नहीं, ये अभी बाद में लिखोगा. द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R vector and P vector perpendicular to the plane containing R vector and P vector. Full stop.
यूनिट लिख लो, क्या लिखोगे यूनिट? एसआई में ये लिख लेना केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस वन, और सीजीएस में खुद से लिख लेना, नहीं लिख पाओ तो डूब जाना, मरना मत। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इसका नया का, एक और यूनिट लिख सकते हो जूल सेकेंड, लिखो लिखो, सोचने के लिए बहुत टाइम है, कैसे आई लिखो, जूल सेकेंड। एक और यूनिट, अनदर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकेंड। आगे आएगी होगी, डायमेंशनल फॉर्मूले से निकाल लें। एम एल टू टी माइनस टू होता है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? एनर्जी, दैट इज जूल, राइट? तो यूनिट तो यूज कर सकते हैं उसकी, जूल, और फिर उसमें टी माइनस वन आ रहा है, इसमें तो मतलब टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सेकेंड, सो जूल सेकेंड। देखो एम एल टी माइनस टू किसकी होती है? एनर्जी। अच्छा एम एस एम एल टू, हाउ ये होती है किसकी? एनर्जी की, और इसका मल्टीप्लाई कर दो टी से, मतलब सेकेंड से, तो किसकी बन जाएगी? एंगुलर मोमेंट। तो जूल सेकेंड इज द एनर्जी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल जय के टाइम जैसा पिछला किया था। बिल्कुल सब सेम लिख दो, हम तो कह रहे पेज छोड़ दो, होमवर्क कुछ और पढ़ ले रहे घर पे, कर लेना, बिल्कुल टू कॉपी है। क्या करना? आर क्रॉस पी करना है, वहां पे आर क्रॉस एफ किया था, वही सेम फॉर्मूला लगाना, ना कोई चेंज ना कुछ। This is kind of important, ठीक है? क्या जो आप पढ़ने वाले, छोड़ दिया एक पे छोड़ दो, आ जाएगा, नहीं आएगा किसी का तो कल बताना, फिर से कराया जाएगा, आएगा कैसे नहीं, आ जाएगा, एग्जैक्ट सेम, जैसे साइन चेंज किया वैसी साइन चेंज करना, बस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की जगह पी एक्स पी वाई पी जेड आ जाए। वहां पे क्या था? आर क्रॉस है, यहां पे क्या है? आर क्रॉस,
एल सेम आ जाएगी। क्या ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, शुड आई गिव इट दिस इन द होमवर्क? यस, ट्राई टू सॉल्व, अदरवाइज वी विल सॉल्व टुमारो। हाँ पूछो, कोई कुछ कह रहा है? रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या हुआ? अभी कहां कल कर लेंगे, अभी 10 मिनट है। छोटा सा डेरिवेशन है, चार स्टेप का, देखो चार पांच पांच पांच। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम ने क्या निकालना है? रिलेशन। देखो यहीं से शुरू होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस बी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दो, देखना डिफरेंशिएशन में डॉट आता है जब दो का प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करें तो कैसे करते? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे करते कि नहीं? कर दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। हाँ उसमें नहीं किया था, उसमें भी बता रहे और इसमें क्यों किया था वो भी बता रहे। इसमें भी नहीं करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा ये वाला टर्म है ना इसको बन जाएगा, देखना कैसे। सिंस पी इज इक्वल्स टू एम वी एंड डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू बी, ठीक, तो डी एल अपॉन डी टी आ जाएगा आर क्रॉस एम बाहर डी बी अपॉन, ठीक, प्लस पी एम बी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। R M dv upon dt A, so M A क्या हो जाएगा? ठीक, प्लस M V cross B क्या होगा? जीरो। V cross B क्या होगा? दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स दोनों सेम है ना, डायरेक्शंस भी सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो डिग्री। सो ए क्रॉस ए ए ए साइन जीरो। सो ये तुम्हारा क्या आ गया? सीधा सीधा तो डीएल अपॉन डीटी किसके इक्वल आ गया? रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सर ये तो सात आठ स्टेप हो गए, एक दो तीन चार। ये देखो ये तो फालतू का है, पहले का लिखा था, एक दो
ये तो कंसीडरेशन, ये स्टेप थोड़ी है, ये तो आपको पता है, अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी पता रहता है। नहीं तो स्टेप होता है कंसीडरेशन, मतलब मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पांच स्टेप है, नौटंकी मत करो, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, मजाक बाद में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये किसके इक्वल आ गया? रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड। रोटेशनल एनालॉग इन न्यूटन सेकंड लॉ है कि नहीं? और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, यहां पे तो कोई मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं। किसी भी स्टेप में किसी को तो बताओ, किसी भी स्टेप। फिर से एक्सप्लेन कर दिया सर, ठीक, सिंपल है। लिखो, 5 मिनट अभी लिखो। वी नो दैट डब्ल्यू के टी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। बस डब्ल्यू के टी ये लिखो, आर क्रॉस पी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वाला स्टेप लिखो, फिर ये वाला स्टेप। हाँ 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 ये वाला भी, देखो ये वाला जब स्टेप लिखोगे ना तो सिंस करके वहां पे लिखने जगह छोड़ देना। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो, हाँ पूरा छाप दो। और यहां पे सिंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अंडा जीरो, राइट। अब पूरा एंड तक लिख दो, डन, वेरी गुड। दस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक सेकेंड भैया, हाउ मीमांस ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है? मीमांस वेक्टर में नहीं आया था ना, कल आया था। एक या दो दिन बस, किसमें? वेक्टर में लिख लिया भैया, लिख लिया। दस टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ is equal to the rate of change of acting on the particle
इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जस्ट वेट, कोई छोड़ना नहीं. स्टार निकी निर्जरा का है आज भैया. अच्छा मिति तुम्हारे साथ भी नहीं है क्या? नहीं भैया. ओके ओके चलो फिर जाओ. खुला है. थैंक यू भैया. थैंक यू बेटा. ओके हाँ कितने